नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूएएन अकाउंट में प्रोफाइल एडिट कैसे करें। कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि जब वो दोस्त अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने कुछ इस तरीके से एक एरर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये एरर आ क्यों रहा है। जिन दोस्तों ने अभी तक अपने यूएएन अकाउंट में अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं किया है, अक्सर करके ये प्रॉब्लम उन्हीं दोस्तों के सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों जिन दोस्तों ने अपने यूएएन अकाउंट की प्रोफाइल को एडिट कर रखा है वो दोस्त बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही अपने नॉमिनी को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन यानी खुद से ही अपने यूएएन अकाउंट की प्रोफाइल को ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन कर देना है। गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में लिख देना है यूएएन लॉगिन। यूएएन लॉगिन लिखने के बाद दोस्तों आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यूएएन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपको इस इधर कोने में तीन बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको इसी थ्री बिंदु पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना, जिससे कि दोस्तों ये वेबसाइट बहुत अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। दोस्तों थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूएएन नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देना है। अगर दोस्तों आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता तो दोस्तों मैंने इस पर पहले से ही एक वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से अपना आधार नंबर डालकर अपने यूएएन नंबर का पता कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अपना यूएएन नंबर पता है तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देंगे। अगर नहीं पता तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख कर बड़ी आसानी से अपने आधार कार्ड से अपने यूएएन नंबर का पता लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर दोस्तों आप अपने यूएएन नंबर का पासवर्ड भूल गए तो दोस्तों मैंने इस पर भी पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने भूले हुए यूएएन का पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डालेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये कैप्चा कोड डालकर यहाँ से साइन इन कर देना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरी डिटेल है उसे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल दिया और दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर दिया है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो गया जिसमें दोस्तों आपको इस पॉपअप मैसेज को इस क्रॉस पर क्लिक करके हटा देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से इस पॉपअप मैसेज को हटा दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, व्यूज, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है पहले। जैसे दोस्तों हम यहाँ मैनेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से शो हो गए, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई नॉमिनेशन। जैसे दोस्तों हम ई नॉमिनेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस हो गया है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फ़ोटो। तो दोस्तों जब तक हम अपने प्रोफाइल पर अपना फ़ोटो और अपना एड्रेस अपलोड नहीं करेंगे तो दोस्तों जब तक हम यहाँ से अपना नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो नहीं भर सकते। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ से दोबारा से यहाँ व्यू पे जाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होता है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोफाइल। तो दोस्तों आपको इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होता है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेंबर डिटेल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी खुद की कुछ डिटेल भरनी होगी। तो दोस्तों हम एक एक करके सारी डिटेलों को यहाँ पर भरते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज फोटो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को चेंज करना है। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा होगा ब्राउज़र का, तो दोस्तों आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ से अपना कोई फ़ोटो चूज कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी गैलरी से अपना एक यहाँ पर फ़ोटो चूज कर लिया है। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर केवल 100 KB से कम का ही फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर दोस्तों आपके पास आपका कोई 100 KB से फ़ोटो कम नहीं, तो दोस्तों मैंने इस पर पहले से ही एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या दोस्तों आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट फ़ोटो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अपलोड फोटोग्राफ। तो दोस्तों हमें इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ से ओके कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से ओके करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कुछ लोडिंग चल रही है।
लोडिंग पूरी होती है दोस्तों हमारा फोटो यहां से अपलोड हो जाएगा। फोटो यहां से सक्सेसफुल अपलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे आपका नाम दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों आपको यहां पे आपका यूएएन नंबर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी नहीं दिखाई दे रही है तो दोस्तों आप इस पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को डालकर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के सामने दोस्तों आपको यहाँ पे एक पेन का निशान दिखाई दे रहा है। आपको इस पेन वाले निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पेन वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। जिसमें दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेड क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपको इस बॉक्स पर क्लिक करके अपने क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों मैंने इस बॉक्स पर क्लिक किया तो दोस्तों हमारे सामने नीचे एक न्यू बॉक्स ओपन हो गया जिसमें दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा है न्यू क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहां से चूज कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ से मैट्रिक पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इधर साइड में आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड मैरिटल स्टेटस। दोस्तों आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने फिर एक न्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां से अपनी मैरिड स्टेटस को चूज कर लेना। तो दोस्तों मैंने यहां से मैरिड पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ग्रीन कलर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर वो डिटेल है जो अभी आपने फिल की है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये डिटेल जो मैंने फिल किया वो ठीक है तो दोस्तों आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो भी डिटेल मैंने यहाँ पर फिल की है वो कुछ गलत है दोस्तों आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो भी डिटेल दी है सारी की सारी डिटेल सही है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो गया जिसमें दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो दोस्तों वो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो दोस्तों हमारा ओटीपी आया है यहाँ से 5175। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डालने वाला हूँ। तो दोस्तों जो ओटीपी आया था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सेव चेंज पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज प्रोफाइल डिटेल, यानी कि दोस्तों जो हमने अभी यहाँ पर चेंज किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से बैक पर क्लिक कर देना है और दोस्तों हमें यहाँ से वापस चले जाना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से बैक पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आ चुके हैं। बैक आने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ से फिर जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद दोस्तों जो भी हमने अभी यहाँ पर डिटेल भरी थी जैसे यहाँ पर मैंने मैट्रिक और मेरिट चूज किया था। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस। दोस्तों आपको यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस चूज करना है और इस नीचे दिखाई दे रहा है करंट एड्रेस। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस चूज करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस डाल देता हूँ। दोस्तों आपको भी यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस डाल देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालता हूँ तो मैंने यहाँ इस पेंसिल पर क्लिक कर दिया है। जैसे दोस्तों मैंने इस पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो गया जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड्रेस। सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस और दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है करंट एड्रेस। अगर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो दोस्तों आप अपना परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पर इस पर चेक मार्क कर देंगे तो दोस्तों आपका जो भी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस है बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरा एड्रेस है यहाँ फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे नीचे इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया तो दोस्तों मेरा परमानेंट और करंट एड्रेस बिल्कुल सेम हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने कुछ लोडिंग चलती है। लोडिंग चलने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुल, यानी दोस्तों जो भी हमारा एड्रेस है यहाँ से सक्सेसफुल सेव हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से वापस जाएंगे। वापस आने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो गया जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो फोटो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था वो दोस्तों मेरा फोटो दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जो जो डिटेल मैंने यहाँ पे अपलोड की थी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे क्वालिफिकेशन में मैट्रिक चूज किया था, मैरिटल स्टेटस में दोस्तों यहाँ पर मैंने मैरिट चूज किया था और दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस चूज किया था। इसके बाद दोस्तों जो भी हमारा यूएएन की प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एडिट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ई नॉमिनेशन पे पहले जब हमने क्लिक किया था तो दोस्तों हमारे सामने कुछ एरर दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो हमारे सामने अब यहाँ पर दोस्तों कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। आप दोस्तों यहाँ पर इस प्रोसीड पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी नॉमिनी को यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर आप अपने यूएएन अकाउंट की प्रोफाइल को बड़ी आसानी से एडिट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।